अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। एक बार फिर हाजिर आप दी खिदमत दे विच अज दा इह पैगाम लैके। अज दे इस पैगाम दे विच आप जी दे नाल गल सांझी करांगा कि असल चिराग किस दे रोशन कीते जांदे ने इस दुनिया दे अंदर। तो अज दे इह पैगाम नूं पूरा जरूर सुनना, तो हो सकदा कि कुछ नुक्ते दी गल आप जी दे नाल सांझी कीती जावे ते आप जी नूं कुछ ना कुछ समझ लगे। तो साढ़े इस चैनल में लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, सबसक्राइब जरूर करना, आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे, क्योंकि रोज़ पीर फकीर के नाल संबंधित कुछ ना कुछ असं साझा करते रहते हाँ। तो आओ अज का ये पैगाम आप जी के नाल शुरू करते हाँ कि असल चिराग किस से रोशन किए जाते हैं। कहते हैं कि ताजदारा के ना अमीर के दीवे बलते सदा फकीर के। इस धरती के अंदर जो पीर फकीर बली हुए ने, जिन्हां ने इबादत कीतियां ने, अपने पीरों मुरशद के कदमों के लग के रब नूं पाया है, जदों वो इबादत करने तो बाद इस दुनिया के उपरों गए ने, तो उन्हां दी याद के अंदर फिर उन्हां दे जो मरीद अज भी इत्थे ने, उस घराने के लोग, उस घराने के मरीद अपने मुरशद की याद के विच, अपने पीरों मुरशद की याद के विच, अपने पीर फकीर की याद के उन्होंने नाम के चिराग रोशन करते हैं। असं जानते हैं कि कादरी घराने के मीरा गौस पाक सरकार जी निस्बत रखने वाली जो रूहां ने, वो पंच तन पाक ते मीरा गौस पाक सरकार जी के नाम के चिराग रोशन कर दियां ने। तो 11वीं वाले दिन मीरा गौस पाक सरकार जी का चिराग रोशन किया जाता, तो उस दिन जो मरीद ने उन्होंने याद करते हैं, अपने दिल दी गल्लां सांझियां करते हैं। सखी सर्व लख दाता पीर जी वह भी मरीद ने मीरा गौस पाक सरकार जी दे, उन्हां दे नाम दे चिराग हर वीरवार रोशन किए जाते हैं उन्हां दे मरीदां वल्लों। इसी तरह ख्वाजा साहब जी का चिराग एतवार नूं आपां रोशन करते हाँ। तो जिवें जिवें विधि चलती है उस तरह अज तक चली आउंदी है। ताजदारां दे ना अमीरां दे दीवे बलदे सदा फकीरां दे। जिन्ने मर्जी पैसे इकट्ठे करके इस दुनिया के उपर कोई इंसान जो जाता है, दुनिया की दौलत इकट्ठी करने तो बाद जो जाता है, तो उसके नाम का कोई चिराग नहीं बालता। उसनू एक या दो महीने याद करते हैं, उस तो बाद याद करना भी छड़ देते हैं। तो जो फकीर होए ने रूहानियत की दौलत इकट्ठी करके लैके गए ने, सिर्फ उन्होंने नाम के चिराग रोशन होंगे ने। हर पिंड दे विच, हर शहर दे विच, हर गली दे विच फकीरां दे जो ये चिराग रोशन होंगे ने। असल चिराग है जो वो केड़ा है, वो साढ़े अंदर है। ये लिखा गया है कि मन तो जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। अपने अंदर इंसान के अंदर एक जोत स्वरूप के रूप दे विच एक रोशनी है। उस रोशनी नूं अगर कोई पछाणदा है तो वह फिर फकीरां दी दुनिया दे विच चला जाता है, क्योंकि उस रोशनी नूं देखना साडा असल मकसद है इस धरती दे उपर आउण दा, कि असीं रब दे जोत रूप स्वरूप जिहड़ा है उसदे दीदारे कर लै, ते असी भी उसदे नाल अपने मन नूं जोड़ लिया। हर एक धर्म दे विच एक जोत दा रोशन करन दा एक मकसद है कि इंसान नूं एक मैसेज दिता जावे कि इस तरह की जोत अपने अंदर है, उस नूं पछाण ते रब्बी राह दे उपर अगे चल। तो यह मकसद है कि चिराग रोशन करना। तो जो कोई ऐसी रूह होंदी है जिसनों दीदार हो जाते हैं अंदरों, तो उदा एक कल भी जिक्र चलता है, रोशनी होंदी है अंदर, तो उस रोशन हुए चिराग जदों इस दुनिया के उपरों अपने संसारिक यात्रा पूरी करने तो बाद चले जाते हैं, तो उन्होंने मुरीद ने जो पिछे, उन्होंने खलीफा ने जो पिछे, वो फिर उन्होंने याद के चिराग रोशन करते हैं कि साडे मुरशद ने, साडे पीरो मुरशद ने, साडे दादा पीरो मुरशद ने, तो उन्होंने याद के फिर चिराग रोशन। आम इंसान कोई चला जाए वह कोई चिराग रोशन नहीं होंगे। तो अज लिए इन्ना ही, जल्द हाजिर होवांगा नवी वीडियो नाल। तद तक लिहक मुरशद सच मुरशद।